अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेवाइस खिलजी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात की बात बहुत देर से चलती आ रही है और बहुत सी मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ ही रवादावा है। कुछ नई पेशरफ्त हुई है जिसके हवाले से मैं आज ये अपने व्लॉग बना रहा हूँ, उसी हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूँगा। जैसे कि आपको मालूम है और सारा दिन आप टी वी पर देख भी रहे होंगे कि गुलबद्दीन अख्मतियार पाकिस्तान पहुँच गए हैं। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट जो कि तालिबान के साथ नेगोशिएशन पे ने काफ़ी दबाव भी डाला और उसके साथ रिक्वेस्ट भी की और साथ साथ अमेरिका के साथ मिल के तालिबान को इस चीज़ पे आमादा किया कि वो पीस टॉक के लिए बैठे हैं। और साथ ही साथ अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि अफगान गवर्नमेंट के साथ मिल के भी जो तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में भी मुज़ाकरात स्टार्ट करते हैं, जिसकी पहली कड़ी आज गुलबद्दीन अख्मतियार के यहाँ पर होना है। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि गुलबद्दीन अख्मतियार इस वक्त अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान है उसके बड़े करीबी साथी में से हैं और बड़े मुश्किलातों के टाइम पे वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन मशवरा भी लेते रहते हैं। तो गुलबद्दीन अख्मतियार जो है मेरे ख्याल से एक मैसेंजर्स के तौर पर आए हुए हैं अफगानिस्तान की तरफ से भी, यहाँ से भी एक मैसेज वो लेके जाएंगे और वहाँ पर ताकि तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में जो निगोशिएशन है या पीस टॉक है उसको दोबारा बहाल किया जाए और सही एक उनको स्टेबल पे एक ला के एक दूसरे के साथ मसाइल है जो उनकी डिमांड्स है दोनों अतराफ के उसमें निगोशिएशन करवा के पीस को यकीनी शक्ल दिया जाए। नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ जब अमेरिका के दिन ब दिन आए एयर अटैक्स जो है वो तालिबान की पीस प्रोसेस को या उनकी जो निगोशिएशन चल रही है अमेरिका के साथ उसको मुतासर कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड अफगान तालिबान के जो स्पोक्समैन है कादी यूसुफ, उन्होंने एक बयान जारी किया हुआ है जिसको एएफपी यानी कि फ्रांस प्रेस की जो न्यूज़ एजेंसी उसने कोट करते हुए कहा है कि उनके अफगान कादी यूसुफ ने कहा है कि जो उनकी अटैक्स हैं वो हमारी पीस नेगोशिएशन को जो मुतासर कर सकती हैं और उसकी नतीजों को भुगतना पड़ सकता है अमेरिका को। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इतने देर से पीस प्रोसेस को आप मूवमेंट चला रहे हैं एंड एन टाइम जब वो अफगान गवर्नमेंट के साथ बैठने पे आमादा भी होंगे और पीस टॉक भी स्टार्ट हो गई है, अब उनके जो डिमांड्स हैं वो उनका ड्राफ्ट भी बनता जा रहा है, इस टाइम पर क्या अमेरिका को खामोश नहीं बैठना चाहिए या हो सकता है अमेरिका ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी हो? क्योंकि ओबामा जो ट्रंप है उसकी तो इलेक्शन आ रहे हैं, पेंटागन की पॉलिसी क्या है, क्या वो ट्रंप के साथ मिलती है या पेंटागन ने अपनी ही एक पॉलिसी बनाई हुई है? चूँकि आप जानते हैं कि इंडिया के साथ वो कुर्बत ज़्यादा है उनकी। अब इंडिया तो डेफिनेटली कोशिश कर ही रहा है कि वो किसी ना किसी तरह इस पीस टॉक को सबोटाज करें और यहाँ पे ख़त्म कर दे, और कोई क्योंकि अगर ये पीस टॉक हो जाता है तो जो स्टेक है इंडिया का वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें चलते रहीं। अब देखना यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान अपना रोल पे किस तरह केयरफुली अपनी इस मिशन को आगे कैसे बढ़ाएगा, कैसे वो तालिबान और अफगान गवर्नमेंट को एक टेबल बिठा के आमादा करेगा, उन सारे डिमांड्स लिस्ट जो दोनों तरफ से हैं उनको कैसे पीस टॉक के थ्रू उनकी इस आमादगी पे लेके आएगा और एक जो अमन का ख्वाब जो अफगानिस्तान में अफगानियों ने देखा हुआ है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। 40-45 साल से जिस आग में अफगानी जल रहे हैं आखिरकार कब तक वो चलता जाएगा और एक दिन दिन जो अमन आना है। अमन के हवाले से बात करूँ, अमन लाना ज़रूरी है कि जो सी पैक है उसकी जो लॉन्ग रूट्स हैं वो सिर्फ अब पाकिस्तान या चाइना तक महदूद नहीं है, वो सेंट्रल एशिया तक है। उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इस वक्त वो अफगानिस्तान में अमन का होना है, क्योंकि रूट्स जितने भी हैं सेंट्रल एशिया तक वो थ्रू अफगानिस्तान ही मूव कर रहे हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान ने अपने डिफरेंट स्पॉट्स भी आइडेंटिफाइड कर दिए और कुछ स्पॉट जो है वो ओपन भी हो चुके हैं गेट्स, जिस तरह बलूचिस्तान में एक गेट ओपन हो चुका है, नया गेट और नया रास्ता और एक कॉरिडोर ओपन हो चुका है, वो इसीलिए हैं ताकि रूट्स ज़्यादा हों। अगर किसी रूट्स में कोई खलल हा भी जाए, कोई मसला आ जाए तो देर अल्टरनेट पाकिस्तान के पास हो सी पैक के लिए। अब देखना ये है कि इन सब मामलों को जहाँ पे दुनिया एक नए जंग की तरफ जा रही है, जंग के माने से मेरे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लड़ाई है वो भी है, इन सब खित्ते में हमारी जो सूरतयाल बनती जा रही है वो अब आया दिखाई नहीं दे रहा कि वो बेहतरी की तरफ, दिखने में तो बेहतरी की तरफ जा रही है अगर कोई नई चीज़ सामने नहीं आती। जैसे कि अभी अमेरिका के जो लग रहा है कि अमेरिका के जो पॉलिसी है वो चेंज होती दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि वो उनके अटैक्स जो सिविलियन अटैक्स है और तालिबान पे अटैक्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
अब देखना ये होगा कि क्या ये ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप इसको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपके पेशे खिदमत हाज़िर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।